उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक होटल में मैनेजर और उसके कर्मचारियों ने एक 8वीं की छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान देर रात करीब 1 बजे छात्रा आरोपियों के चंगुल से छूटकर भाग निकली, लेकिन मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में मदद की गुहार पर उसे उसके ही गाँव के 3 लड़कों ने दबोच लिया। उन्होंने भी उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इंस्पेक्टर ट्रांस यमुना सुमनेश कुमार ने बताया, 8वीं की छात्रा के धारा 164 के बयान के तहत बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया कि वह होटल से भागकर रात 1 बजे घर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही 3 युवकों ने उसके साथ हैवानियत की। इनके नाम भी मुकदमे में बढ़ाए गए हैं। दरअसल 15 मार्च को खंदौली की रहने वाली 8वीं की छात्रा के साथ हाथरस रोड स्थित होटल में होटल के मैनेजर प्रमोद, रसोइये टिंकू और उसके साथी लक्की ने बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस का कहना है कि होटल के CCTV चेक किए गए, इसमें आरोपी पीड़ित छात्रा के साथ खींचतान कर रहे हैं। होटल के कमरे और बेड से भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं।